वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, हमारे साथ है सबा शेख, जिन्होंने हमारा लेवल 1 मुकम्मल कर लिया है एक लाइफलाइन के यूज़ के साथ। अब हम शुरू करेंगे उनके साथ लेवल 2। सबा, रेडी हो आप? जी। तो लेवल 2 का पहला सवाल आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के कान में अजान और इकामत किस इमाम ने दी? ए, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, बी, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, सी, इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम, या फिर डी, इनमें से किसी इमाम ने नहीं दी? ए, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। श्योर है आप? जी। महफूज कर लूँ इसे? जी। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के कान में अजान और इकामत किस इमाम ने दी? यानी जब बच्चा पैदा होता है तो अजान और इकामत दी जाती है, जी, तो वो किस इमाम ने दी? ए, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। आप श्योर हैं? जी। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम कौन से इमाम है? अगर आप थोड़ा जोर दें, थोड़ा सोचें, तो शायद आपको क्लियर हो जाए। मुझे लग रहा है कि आप डाउट में हैं। जी। रज़ा अलैहिस्सलाम कौन से इमाम है? एट इमाम है। एट इमाम है, जी। और हम पूछ रहे हैं कि एट इमाम के कान में अजान और इकामत किस इमाम ने दी, और आपने जवाब दिया ए, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। जी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कौन से इमाम है? सिक्स्थ इमाम है। सिक्स्थ इमाम ने एट इमाम के कान में अजान और इकामत दी? नहीं, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, बी। बी, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। जी। श्योर है आप? जी। महफूज कर लूँ? जी। कंप्यूटर बी, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। बी, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप ए कहती तो वो गलत होता। जैसा कि मैंने कहा कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम उनके वालिद हैं और उन्होंने उनके कान में अजान और इकामत दी, जी, उनकी पैदाइश के बाद। अब हम बढ़ते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन एक ऑडियो क्वेश्चन है, आपको बहुत ध्यान से सुनना है और बताना है कि ये सूरह ज़िलज़ाल की कौन सी नंबर की आयत है। रेडी हैं आप? जी। कंप्यूटर प्लीज प्ले द ऑडियो। فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ। आपने ऑडियो सुन लिया, अब आपको बताना है कि ये सूरह ज़िलज़ाल की कौन सी नंबर की आयत है। आपके ऑप्शंस हैं ए, 5 नंबर, बी, 6 नंबर, सी, 7 नंबर, या फिर डी, 8 नंबर। आप फिर से ऑडियो सुनना चाहेंगे? जी। कंप्यूटर प्लीज प्ले द ऑडियो अगेन। فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ। मैं ऑप्शंस फिर से रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। ए, 5 नंबर, बी, 6 नंबर, सी, 7 नंबर, या फिर डी, 8 नंबर। बी, 6 नंबर। कॉन्फिडेंट है आप? डाउट है, लाइफलाइन यूज़ करना चाहेंगे हम। लाइफलाइन? कौन सी लाइफलाइन का इस्तेमाल करेंगे आप? फ्लिप। फ्लिप? आप चाहती है कि ये क्वेश्चन को रद्द कर दिया जाए और आपके सामने एक न्यू क्वेश्चन दिया जाए। तो कंप्यूटर इस क्वेश्चन को रद्द कर दीजिए और हमारी पार्टिसिपेंट के लिए एक दूसरा क्वेश्चन दीजिए। फिर भी अगर आप एक जवाब देती तो वो क्या होता, क्योंकि हमें नाज़रीन को सही जवाब बताना है। बी, 6 नंबर। बी, 6 नंबर, जी। कंप्यूटर बी, 6 नंबर को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। सबा, अगर आप इसका जवाब बी, 6 नंबर देती तो वो बिल्कुल गलत होता। इसका सही जवाब है सी, 7 नंबर। ये सूरह ज़िलज़ाल की 7वीं नंबर की आयत है। जी। अब हम बढ़ते हैं फ्लिप क्वेश्चन की तरफ। इनमें से वो कौन से सूरे हैं जिनके नाम में नुक्ता नहीं है? ए, सूरह तौहीद और सूरह यासीन, बी, सूरह मुदस्सर और सूरह रहमान, सी, सूरह हम्द और सूरह रात, डी, सूरह नहल और सूरह अनाम। इनमें से कौन से सूरे के नाम में नुक्ता नहीं है? सूरे
बी सूर्य मुदस्सिर और सूर्य रहमान. कॉन्फिडेंट? जी. महफूज कर लूँ? जी. इनमें से कौन से सूरा है जिनके नाम में नुक्ता नहीं है? मुदस्सिर, सूरह रहमान, नुक्ता नहीं है. आप बी सूरह मुदस्सिर और सूरह रहमान कहना चाहती है, इसका आंसर. कॉन्फिडेंट है आप? नहीं. नहीं कॉन्फिडेंट है? नहीं. आपने फ्लिप किया था और ये क्वेश्चन आपका फ्लिप्ड क्वेश्चन था. जी. पर फिर भी आपकी एक लाइफ लाइन अभी भी बाकी है, डबल फ्रीज. जी. क्या करना चाहेंगे? हम सी के साथ जाना चाहेंगे, सूर्य हम और सूर्य रात. सूर्य राद और सूर्य हमद. पहले आपने कहा बी सूर्य मुदस्सिर और सूर्य रहमान, फिर आप कहा सूर्य हमद और सूर्य राद. क्या सोच के आपने आंसर चेंज किया? सूर्य रहमान में जो है नून में नुक्ता है, तो इसलिए. अच्छा, सूर्य रहमान में नून में नुक्ता है, इसके लिए आपने चेंज कर दिया अपना ऑप्शन. जी. और ठीक है, महफूज कर लूँ इसे? जी. श्योर? जी. कंप्यूटर सी सूर्य हमद और सूर्य राद को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं. सबा, आपने चेंज किया अपना आंसर, बी से फिर सी पर आ गई आप और आपने कहा कि सूर्य हमद और सूर्य रात इसका आंसर है, जो कि बिल्कुल सही है. सूर्य हमद और सूर्य रात के नाम में नुक्ता नहीं है. तो अब बढ़ते हैं हम हमारे तीसरे सवाल की तरफ, यानी लेवल टू के तीसरे सवाल की तरफ. इनमें से किस नबी को संदूक में रख कर दरिया में डाल दिया गया? ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम या फिर डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम. ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम. ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम. जी. आप श्योर हैं? जी. मैं क्वेश्चंस फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर देती हूँ. इनमें से किस नबी को संदूक में रख कर दरिया में डाल दिया गया? ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम या फिर सी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम या डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम. आपने पढ़ा होगा, सुना होगा इस बारे में. जी. काफ़ी फेमस वाक़िया है, कुरान में भी इसका ज़िक्र है. किस नबी को संदूक में, यानी जब वो छोटे से थे तो उनको संदूक में रख कर दरिया में डाल दिया गया था, फिर वो संदूक बहकर एक जगह पर जाता है. आपने आंसर कहा ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम. महफूज कर लूँ मैं इसे? डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम. अब आप चेंज करके डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहना चाहती हैं. जी. अब इसके लिए आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं? अभी भी नहीं. अभी भी नहीं कॉन्फिडेंट है? क्या करना चाहेंगे? किस नबी को संदूक में रखकर दरिया में डाल दिया गया था जब वो छोटे थे, बच्चे थे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम. ए के साथ जाना चाहेंगे. फिर से चेंज करके ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चूज़ करना चाहती हैं. सबा, हमें बहुत अफसोस होगा और मुझे यकीन है आपको भी काफ़ी अफसोस होगा अगर आपकी लाइफ लाइन रह जाएगी और आपका सफ़र तमाम हो जाएगा. इसलिए मैं चाहूँगी आप फिर से एक बार सोच कर मुझे जवाब दीजिए. मैं आपके जवाब की मुंतज़िर हूँ. अगर आप कहती है ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को महफूज करिए तो मैं उन्हें महफूज कर लेती हूँ, या फिर डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को महफूज करने कहती है तो मैं उसे भी महफूज कर लेती हूँ. पर फिर भी मैं याद दिला रही हूँ कि आपके पास एक लाइफ लाइन है. हम लाइफलाइन यूज़ करना चाहेंगे. आप लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी? जी. डबल फ्रीज? जी. कौन से दो ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहेंगे आप? ए और डी. कंप्यूटर, हमारी पार्टिसिपेंट डबल फ्रीज का इस्तेमाल करके दो ऑप्शंस ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक साथ महफूज करना चाहती है. अब आप हमें बताइए इनमें से कौन सा सही जवाब है. सबा, अगर आप इसका जवाब ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही देती तो वो बिल्कुल गलत होता. आपने डबल फ्रीज करके जो दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया है डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, वो इसका बिल्कुल सही जवाब है. रिलीव्ड? अच्छा हुआ इस्तेमाल कर लिया लाइफलाइन. जी. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब छोटे थे तो उन्होंने संदूक में बंद कर दरिया में डाल दिया गया था, फिर वो
जो संदूक था वो बहकर कहाँ जाता है? फिरौन के घर पहुँचता है ना? तो जनाब आसिया अलैहिस्सलाम उन्हें खोल कर, फिर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के महल में होती है। फिर तो अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। रेडी है आप? जी। 9th क्वेश्चन आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये एक इमेज है, आपको बताना है ये इमेज कहाँ की है या फिर कहाँ पर है। आपके चार ऑप्शंस हैं, ए मक्का में है, बी मदीना में है, सी ईरान में है या फिर डी इराक में है। देखी है ये इमेज कभी आपने? नहीं देखी है? क्या करना चाहेंगे, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहेंगे? बी मदीने में। बी मदीना में। जी। महफूज कर लूं? जी। श्योर है आप? जी। कंप्यूटर बी मदीना में को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। सबा, बी मदीना में इसका बिल्कुल गलत जवाब है। इसका सही जवाब है ए मक्का में। जब हज पे जाते हैं, ये जो पिक्चर है इसे रमीय जमरात कहते हैं, जहाँ पे शैतान को कंकड़ी मारी जाती है, जो हज के एक अरकान में से है। इंशाल्लाह अल्लाह हमें, हम सबको हज पे जाना नसीब करे। तो इसी के साथ आपके साथ हमारा ये सफ़र यहीं पर मुकम्मल होता है। आप लेवल 2 के 9th क्वेश्चन तक ही पहुँची थी, इसलिए आप हमारे शो से लेवल 1 की इनामी रकम लेके जाएंगी, यानी 1000 रुपीज़। सो ये है आपकी लेवल 1 की इनामी रकम। इंशाल्लाह आप और पढ़ाई करिएगा और अच्छे से मेहनत करके अगले सीजन में फिर से पार्टिसिपेट करिएगा। और आपका जो दूसरा एस्पिरेशन है टीचर बनने का, उस पर भी इंशाल्लाह वर्क करिएगा और टीचर बनकर सक्सेसफुल होइएगा। जी नाज़रीन, इसी के साथ सबा शेख के साथ हमारा सफ़र यहीं पर मुकम्मल होता है। अगर आप भी चाहते हैं हमारे शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो चैनल विन की ऑफिस पर फॉर्म भरिए और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप भी हमारे साथ हमारे शो में होंगे। देखते रहिए चैनल विन। खुदा हाफिज़।